हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डीसीए। हम आज बात करेंगे डीसीए में जो पढ़ रहे छात्रों को, उनको मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल कंप्यूटर के सब्जेक्ट से। अब देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट, इसमें मेन क्वेश्चन हमारा हो सकता है संभावना चांस है, मतलब जो बनाया हो ये 100% नहीं, मतलब 50-50 हो सकता, आ सकता है इसको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देख रहे हैं बोर्ड पर, पहला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। इसको देखिए, इसको का लिखा है पर्सनल कंप्यूटर क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। ये पहला क्वेश्चन होगा, मेन क्वेश्चन, इसको आप पढ़िएगा। दूसरा हमारा ये है, दूसरा नंबर कंप्यूटर का इतिहास और विकास पर प्रकाश डालिए, मतलब कंप्यूटर का इतिहास बताना है और मतलब कंप्यूटर हमारे लिए क्या फायदा है उसका विकास बताना है, विकास मतलब हमारे लिए क्या आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है यूनिट फर्स्ट से कंप्यूटर के मुख्य भाग अर्थात ब्लॉक डायग्राम को विस्तार पूर्वक समझाइए। कंप्यूटर के मुख्य मतलब इंपोर्टेंट पार्ट्स है ना को बताना है और ब्लॉक डायग्राम को विस्तार पूर्वक समझाना, मतलब डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है। हमारा चौथा प्रश्न क्रमांक है, चौथा प्रश्न है मेमोरी से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है समझाइए। हमको चौथे में बताना है मेमोरी क्या होता है, मतलब मेमोरी समझाना है ना, और यह कितने टाइप का होता है ना, मतलब मेमोरी क्या है और वह कितने प्रकार का होता है हमको बताना पड़ेगा। फिर बाद में क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के पीढ़ियों को समझाइए, पचमा मतलब कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, 1, 2, 3 जितने भी जनरेशन होगा और उनको समझाना है। ये हो गया फर्स्ट यूनिट का मेन मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा आता है सेकेंड यूनिट है ना। इसमें पहला क्वेश्चन होगा इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस से क्या समझते हैं कि नहीं, अच्छा इनपुट डिवाइस को समझाइए, समझ रहे हो ना। इनपुट डिवाइस क्या होता है इसको आपको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। और किन्हीं छह इनपुट डिवाइस को समझाइए, मतलब को इनपुट डिवाइस क्या होता है और फिर छह इनपुट डिवाइस लिखकर को एक्सप्लेन करना है। ये हो गया। अब हमारा सातवां क्वेश्चन होता है, देखिएगा सातवां होता है आउटपुट डिवाइस क्या है उसके प्रकार समझिए, मतलब जैसे छठवां है सातवां ही, मतलब आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना उसके प्रकार को समझाना है, जैसे छठवां से सातवां भी है। और हमारा आठवां क्वेश्चन आता है मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के प्रकार और विशेषताओं को समझाइए। वही सिंपल है, मॉनिटर क्या है, क्यों कहलाता है, क्या चीज़ है, किस काम आता है, ये बताना है। और मॉनिटर के प्रकार को बताना है और उसकी विशेषताएं, मतलब मेन चीज़ बताना है। और नौवां क्वेश्चन हमारा हो गया मॉनिटर में प्रयोग होने वाले विभिन्न वीडियो मानक या डिस्प्ले पद्धति को समझाना है, समझ रहे ना। नौवां मेन है आपको, मेन क्वेश्चन होगा मॉनिटर में प्रयोग होने वाले विभिन्न वीडियो नामक इसको समझाना, एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा दसवां क्वेश्चन आता है प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझाइए, मतलब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर की क्या विशेषता है, क्या काम आते हैं आपको ये बताना है। फिर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। ये हो गया ये हमारा हो गया सेकेंड यूनिट का मेन क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा आएगा सेकेंड यूनिट थ्री है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, हमको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में कंपेयर करना है ना, उसको समझाना है, उसको लिखना है। फिर हो गया बारहवां क्वेश्चन हमारा है डाटा एक्सेस करने की विधियाँ, हमको मतलब डाटा एक्सेस कैसे किया जाता है इसके, है ना, इसको हम विधि बताना, फार्मूला आपको समझाना है, फार्मूला। फिर हमारा तेरहवां क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए, सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपको एक्सप्लेन करना है और उनकी विभिन्न प्रकारों को एक्सप्लेन करना, मतलब क्या है फिर समझाना। फिर चौदहवा नंबर क्वेश्चन हमारा है हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर को समझाइए। देखो आपको ये करना पड़ेगा, पहले आपको हार्ड डिस्क क्या काम आता है, किस लिए है आपको लिखना पड़ेगा। फिर हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर डायग्राम मतलब आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर हमारा पंद्रह नंबर क्वेश्चन आता है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में ड्राइव का नामकरण कैसे करते हैं, है ना, आपको कंप्यूटर में ड्राइव का नामकरण कैसे करते हैं समझाइए। ये आपको मेन क्वेश्चन हो सकता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा तीसरा यूनिट भी कम्प्लीट हुआ, हम आते हैं चौथी यूनिट में आते हैं। चौथी यूनिट पहला सोलह क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और प्रकार लिखिए, सॉफ्टवेयर क्या है ना, क्या काम आते हैं आपको लिखना है। फिर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और प्रकार मतलब सॉफ्टवेयर की क्या हमें आवश्यकता होती है और क्या मतलब यह कितने प्रकार का होता है आपको लिखना है इसमें। फिर हमारा आता है सत्रह नंबर डॉस का परिचय तथा कार्य लिखिए, डॉस का इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर इसका कार्य, जो डॉस है इसको हम लिखना है, डॉस सॉरी डॉस डॉस क्या है ना, उसका एक कार मतलब वर्क। अठारहवा नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज को समझाना है और लिखना है, बस इतना ही। उन्नीसवा नंबर है कंपाइलर इंटरप्रिटर और असेंबलर क्या है, कंपाइलर के इंटरप्रिटर बताइए, इसका मेन क्वेश्चन हो सकता है बस 19वां नंबर, ये पक्का ही आएगा। कंपाइलर और कंप्यूटर कंपाइलर इंटरप्रिटर और असेंबलर क्या है, कंपाइलर में अंतर लिखे, ये आपका इसको जरूर देखिएगा। फिर हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन आता है, देखिए क्या लिखा है नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम
क्या है, विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम को उदाहरण से समझाइए। पहली बात आपको नंबर सिस्टम क्या है, यह किस काम आता है, क्यों होता है, ये लिखना है। फिर विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, उदाहरण सहित करना है। हमारा वो चौथा क्वेश्चन हुआ, तो चौथे यूनिट का हो गया। फिर हम आते हैं लास्ट बीसीए में। फंडामेंटल में 5 यूनिट, हर बीसीए में 5 यूनिट होंगे। फंडामेंटल हो गया, फिर एमसी पैकेज जो होता है आप देख सकते हैं, हमारे 5 यूनिट है। 21वां नंबर है कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया और फ्लो समझाइए, है ना। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, मतलब बातचीत करना, मतलब इसका मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेशन क्या है इसको समझाना है, इसकी प्रक्रिया और प्रकार समझाना है ना, टाइप और प्रक्रिया, ठीक है ना। फिर 22वां नंबर है ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ये मेन क्वेश्चन हो सकता है आपका। फिर 23वां नंबर है इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझाइए, 23वां नंबर इंटरनेट कनेक्टिविटी को समझाना, एक्सप्लेन करना है आपको, सिर्फ एक्सप्लेन और कुछ नहीं करना इसमें। 24वां नंबर आपका क्वेश्चन होगा टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी प्रकार, टोपोलॉजी को लिखना है, मतलब टोपोलॉजी क्या काम आता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है, इसको लिखना पड़ेगा। फिर यह टोपोलॉजी इसका टाइप, मतलब ये कितने प्रकार का होता है, 4, 3, 2 जितना टाइप होगा आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट नंबर आता है लेन नेटवर्क क्या है और इसके कंपोनेंट्स को समझाइए, आपका मेन हो सकता है लेन नेटवर्क, है ना। लेन मतलब LAN, इसको पढ़ चुका हूँ मैं, LAN नेटवर्क क्या होता है ना, इसको हम लेन LAN पढ़ेंगे, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, लेन LAN, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हैं। यल लेन नेटवर्क क्या है उसके कंप्यूटर को समझाइए, ये आपका मेन क्वेश्चन हुआ। ये 5 मिनट से हम आपको, ये आपको पीडीएफ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो डीसी के छात्र हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में एकदम मुफ्त है। ये फंडामेंटल का मोस्ट कंप्यूटर है, फर्स्ट यूनिट का उसका हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।